अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा एवं ऑल माय सब्सक्राइबर, मैं ये वीडियो बहुत सोच समझ के और बहुत समय बाद सोच से सोचकर रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और लगभग आज से 2 महीना पहले ही मैंने आपके कमेंट का जवाब देना बंद कर दिया है. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता नहीं हूँ. मैं आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं देता हूँ. इसका कारण है, कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देता हूँ, इसका कारण है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं. और मैं ये आंसर देने से पहले बता रहा हूं, आप सभी को कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा. कोशिश कीजिएगा समझने की. तो देखिए, बात यह है कि YouTube जो है ये मैं अपने टर्म्स पे आप सबकी मदद करने के लिए वीडियोस बनाता हूं. मैं सोचता हूं कि जो दिक्कतें हमें कॉलेज लाइफ में आई या अपने करियर को डिसाइड करने में आई वो आप तक नहीं आए, और जितना भी हमें नॉलेज है, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का, अपने स्कूलिंग लाइफ का, अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस लाइफ का, और जिंदगी में जितनी भी चीजें शायद सीखी हो, उन सभी का उपयोग करके मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों को मैं मदद कर सकूं करता हूं. और मैं अपनी रूटीन बता देता हूं आपको कि मेरी रूटीन बहुत फिक्स्ड है, बहुत फिक्स्ड है. स्कूलिंग लाइफ से ही बहुत डिसिप्लिन लाइफ में जिया है मैंने, और उसी तरीके से जो है अपना जीवन और दिनचर्या एकदम फिक्स्ड आवर्स के लिए बना रखा है. तो जहां तक कि YouTube की बात है, तो हर दिन मैं 1.5 से 2 घंटे निकालता हूं अपने उस दिनचर्या से, और वीडियोस बनाता हूं, आप तक पोस्ट करता हूं, और एज ऑन एवरेज रेगुलरली डेली 4 से 5 वीडियोस आपको मिल जाते होंगे. मुझे पता है कि 4 से 5 वीडियो, किसी दिन 3 भी रह जाते हैं, बट एज ऑन एवरेज 4 से 5 वीडियोस जो है हर दिन हम बना के आपको दे देते हैं, इंक्लूडिंग लाइव काउंसलिंग जिस भी दिन मैं करता हूं. अब बात यह है कि जहां पर मैं 2 घंटे आपके लिए वीडियोस बना के देता हूं, वो वीडियोस कैसे होते हैं? वो वीडियोस आपके कमेंट्स के ही आंसर्स होते हैं. मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट, मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहा हूं तो मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, समझने की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. मैं जैसे ही देखता हूं कि 30, 35, 40 लोगों के कमेंट के जो मतलब हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं, एक ही सब्जेक्ट पे है, एक ही विषय पर है, तो मैं उसको चूज कर लेता हूं कि इसके ऊपर अब वीडियोस बना देते हैं. वीडियोस बना देंगे तो हर कोई, किसी को कमेंट करने की जरूरत भी नहीं होगी, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच भी जाएगी ये बात. तो ये मतलब है. अब आप सोचिए कि जहां मैं 1.5 से 2 घंटे आपके वीडियोस के लिए समय निकाल रहा हूं, अगर हम कमेंट की बात करें तो एक दिन में कम से कम 500 कमेंट आते हैं, कम से कम 500 कमेंट आते हैं. अब सोचिए कि अगर 500 कमेंट्स का जवाब देंगे तो एक जवाब का मुझसे 20 सेकेंड भी निकालिए तो 1000 सेकेंड हमें देना पड़ेगा. 1000 नहीं 10000 हो गया, 500 into 20 = 10000 सेकेंड मुझे लगाने पड़ेंगे. आप समझिए कि जितना समय मैं आपके वीडियोस बनाने में लगाता हूं, उससे कहीं ज्यादा मुझे कमेंट में चले जाएंगे. तो मेरी भी अपनी दिनचर्या है, मुझे प्रेस में भी काम करना है, मीडिया हाउसेस को भी देखना है, इसके साथ साथ अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी है, तो और कुछ घर के काम भी, घर इन द सेंस की रहते हैं तो भाई अपने कुछ पर्सनल काम भी तो होते हैं, तो वो भी करने हैं. तो अब आप ही बताइए मुझे कि ये सब कुछ करते हुए मैं आपका अहित कभी नहीं चाहूंगा. जो कुछ भी आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे जवाब कमेंट्स में ये भी लिखा होता है कि सर हम बहुत उम्मीद से करते हैं कि शायद कोई जवाब आएगा, आप नहीं पढ़ते हैं. नहीं, ये तो कभी मत सोचना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं मैं, लेकिन जो उससे मतलब निकल के आता है, जो जरूरत की चीजें होती है उस पे, उस सब्जेक्ट पे, उस मैटर पे मैं सीधा वीडियोस बना देता हूं. अगर आप वीडियोस को देखेंगे सही तरीके से तो आप पूरे कमेंट को पढ़िएगा, किसी भी एक जगह के जहां पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, उस सारे मैटर पे आपको वीडियोस मिलेंगे. दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग वीडियोस बहुत सारे देखते नहीं है,
और कॉल्स भी ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, उनको पता है कि इस वीडियो में सारी चीजें समझाई हुई है और मुझे भी पता है कि मैं समझाया हुआ है मैंने सब कुछ, बट स्टिल आई गेट द फोन कॉल्स जिसमें पूछते हैं कि सर हमारी काउंसलिंग हो गई अब क्या होगा, हमारा पेमेंट हो गया अब क्या होगा। इन सब के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है दोस्त। बीएचयू की तैयारी करनी है, बीए आर्ट्स की हम क्या पढ़े, अरे यार इसके ऊपर तो कम से कम 10 वीडियोस बनाया हुआ है। तो आप कतई मत सोचिएगा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं दोस्त, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड दैट टू आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, मैं अपने टर्म्स पे काम कर रहा हूं, वॉलेंटियरली काम कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। वो बात अलग है कि यूट्यूब मुझे पे करता है, मेरी मेहनत है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपसे तो मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा हूं ना, तो आपके लिए मैं लायबल भी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन आपके हित सोचता हूं मैं हमेशा और हमेशा और सोचता रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय अलग है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल अकेले चलाता हूं भाई, मेरे पास कोई टीम नहीं है, जितनी भी चीजें मैं करता हूं मैं खुद करता हूं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा भाई बंधु मित्रों, मेरे भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी कुछ जिंदगी के गोल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हूं मैं, आई एम नॉट जोकिंग, मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हूं। अगर मेरे दोस्तों को आप किसी में जानते होंगे तो बहुत सारे दोस्त मेरे पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी फर्स्ट ईयर में एनरोल होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, फिलोसफी में, ज्योग्राफी में, बहुत सारे आपको दोस्त मिल जाएंगे मेरे जानने वाले, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हाउ माई लाइफ वॉज इन बीएचयू, मतलब सब कुछ करता था, ऐसी बात नहीं कि मैं मस्ती नहीं, मस्ती करता हूं भाई, बट सब कुछ को लेके भी एक डिसिप्लिन लाइफ है मेरी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैं अमल करता हूं, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि डिसिप्लिन इज सच अ थिंग विच ऑलवेज पेज यू इन लाइफ। तो कृपया इन बातों को ध्यान से जानने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल सके, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उनका कंप्लेन होता है, बहुत लोग दुखी भी होते हैं, कई लोग गुस्से में आकर के चैनल अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, उससे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि नीड जो जरूरत है ना, वो हिंदुस्तान में इतने सारे, मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको क्लास 10th 12th दोनों मिला दूं तो 35 लाख बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में बैठते हैं हर साल, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में बैठते हैं, और उसके अलावा स्टेट बोर्ड छोड़ दीजिए, कल्पना कीजिए कितने लोग होते हैं। तो मुझे पता है कि जरूरत तो बहुत लोगों की है, वो बात अलग है कि उस रीजन में शायद ये वीडियो ट्रेंड नहीं करता होगा, इस वजह से उतने लोग नहीं आते होंगे, या अपनी अपनी च्वाइस है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मैं नहीं समझता। तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कृपया करके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।